गौरव चौहान यहाँ पर है, युवा कवि है और हमारे मंचों पर एक विशेष कविता धारा है जागरण रस की, जो तत्कालीन और समसामयिक चीजों पर टिप्पणी करने के अभ्यासी कवि हो जाता है और फिर लोग भी उससे आशा करते हैं कि वो अपनी बात कहे। और आपने देखा होगा इसकी कविताएं काफी चर्चित हो जाती हैं, लोग शेयर भी करते हैं, व्हाट्सएप पर भी जाती हैं, तल्ख होती है, सहमत असहमत आप हो सकते हैं लेकिन अपनी बात कहने की जिम्मेदारी है और कहना चाहिए। और जितने लोग बैठे हैं तुम दोनों भी बैठो, मैं नहीं बैठा, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि सुनना और सहना सीखिए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम आजकल सह नहीं पा रहे, जरा सी बात होती है मुझे तो लगता है कि हम गांव में अगर जैसे पहले रहते थे और कैसी कैसी बातें एक दूसरे से बोली जाती थी और सब आराम से चल जाता था, शायद शहरी होने में हमारा सहना समाप्त करा दिया। तो हम एक दूसरे को सुनना सहना और समझना सीखें लेकिन कविता की मर्यादा का भी ध्यान रखें, मंच का भी ध्यान रखें, ये कवियों की भी जिम्मेदारी है। वीरस का कवि है, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसकी राजनीतिक टिप्पणियों को, समकालीन टिप्पणियों को स्वीकार करेंगे, सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ गौरव का स्वागत करें। गौरव का मंच को प्रणाम करता हूँ, थोड़ी आवाज कम कर दो, इको बिल्कुल, तुम्हें मेरी इकलौती बीवी की कसम हो, इको बिल्कुल बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब के साथ में लगभग छठवीं सातवीं बार कविता पढ़ रहा हूं और जहांगीराबाद मैं दूसरी बार आया हूं, पिछली बार भी आया था। मैं साधारण था, लगातार दूसरे साल किसी कार्यक्रम में नहीं जाता हूं लेकिन मैं जहांगीराबाद दोबारा इसलिए आया हूं, पिछले अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि यहां एक एक बैठा हुआ श्रोता भारत माता का सच्चा लाल है। मैं इसलिए यहां कविता पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए यहां कविता पढ़ने आया हूं कि यहां बैठा हर एक व्यक्ति यह मानता है कि गाय हमारी माता है और इसकी हत्या बंद होनी चाहिए। यहां बैठा एक श्रोता इस बात को मानता है, मैं इसलिए दोबारा यहां पढ़ने आया हूं। मित्रों देखो, मैं अपना काम करूंगा, मुझे अपना काम मालूम है। डॉक्टर साहब, मैं व्हाट्सएप पर कितना चर्चित हूं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन जब मैं व्यक्तियों के सामने कविता पढ़ता हूं तब लगता है कि जन जागरण हो गया। ये सारे विख्यात कवि हैं, मैं एकमात्र कुख्यात कवि आपके सामने खड़ा हूं। देखिए, मुझसे पहले कह दिया गया था प्रोटोकॉल की तुम्हें ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना भी है, वो नहीं पढ़ना, तुमको इस पार्टी के लोग, उस पार्टी के लोग। मित्रों, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। और मेरी बीवी ने तीन कपड़े मुझको दिए, नीला रंग बस बहुजन समाजवादी पार्टी का, लाल रंग समाजवादी पार्टी का, ये रंग भारतीय जनता पार्टी का, आपका मुझे पता नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं एक विशुद्ध कवि के रूप में आपके सामने खड़ा हूं, मंच का भी ध्यान चाहता हूं, दादा सुनिए, मुझे आपकी जितनी कलाकारी तो आती नहीं लेकिन हाँ कविता मैं आपसे सीखा हूं, सुनिए। मैं पहले माफी मांग ले रहा हूं, पता नहीं किसको बुरा लगे, कमाल है, पुलिस भी खड़ी है कविता सुन रही है, कमाल है, जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। मैं प्रणाम करता हूं आपके साहस को, इतनी दूरी बनाकर खड़े हैं, मुझे कल सुबह इटावा जाना है, ट्रांसफर आंसर में कोई दिक्कत हो तो हमको बता दो, हम सहते ही रहते हैं। सुनिएगा, अगर कड़वी लगे सच बात मुझको माफ कर देना, मैं नौजवान श्रोता जितने हैं मेरी जान मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों है दोस्तों, अगर कड़वी लगे सच बात मुझको माफ कर देना, मुझे सुनने से पहले दिल के कोने साफ कर देना, अदालत में खड़ा हूं आपकी सच बात कहने को, अदालत में खड़ा हूं आपकी सच बात कहने को, तुम अपनी तालियां देकर मेरा इंसाफ कर देना, तुम अपनी। मित्रों, ये अभी सुधी बोला मुझसे, कह रहे थे पाकिस्तान के लिए लिखो, पाकिस्तान के लिए लिखो, वीरस के कवि हो, पाकिस्तान को निपटाओ। मैं इस धरती पर खड़े होकर पाकिस्तान को निपटाऊं? मित्रों, ये तो सूरमाओं की धरती है, गौरव चौहान को पाकिस्तान पर लिखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सूरमाओं की धरती है, वीरों की धरती है, यहां बिना परीक्षा के लोग लेखपाल बन जाते हैं।
पाकिस्तान, उससे हम लड़े। फौलादी है जिस्म हमारा, डरे नहीं कमजोरों से। फौलादी है जिस्म हमारा, डरे नहीं कमजोरों से। थानेदारी क्या दिखलाए दो कौड़ी के चोरों से। थानेदारी क्या दिखलाए, अरे हाँ तो अमुक है, अरे थानेदारी क्या दिखलाए दो कौड़ी के चोरों से। अरे नहीं जरूरत हमको है सारी सेना भिजवाने की, पाकिस्तान निपट जाएगा जहांगीराबाद के चोरों से। पाकिस्तान को उसकी औकात भी बता रहे। मैं चार पंक्तियां कहता हूं मित्रों, ये पंक्तियां 12 घंटे में 2000 शेयर मिल गए इसको फेसबुक पर। सब करें कहां था मुझे बाद में पता चला कि मैं कुछ खास लिख गया। मित्रों पंक्तियां सुनना, अमिताभ बच्चन जी उस T20 मैच की विजय के बाद क्या कह रहे थे। ए पाप तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, ये पाप रहेंगे। ए पाप तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, ये पाप रहेंगे। कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे, कंटाप। अरे हाथों खुला तुम लोग एडवांस पेमेंट करते हो। कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे, कंटाप रहेंगे। हम बाप रहेंगे। भारत भू की पावनता है ममता की परिभाषा है। भारत भू की पावनता है ममता की परिभाषा है। धर्म सनातन की सुचिता है, आंगन की अभिलाषा है। है प्रभात का पूजन, जन जन के मन का आराधन है। जिसका रूप स्वरूप स्वयं में गोकुल है, वृंदावन है। पशु मत समझो इसे गाय तो हर हिंदू की माता है। भारत माता की जय बोलना, जय बोलना मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है। मैं बोलता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन साहब जो भारत माता को केवल दो शब्द मानते हैं, एक नारा मानते हैं, गौरव चौहान बताता है इस 1.25 अरब की आबादी के लिए भारत माता क्या है। एक एक देशभक्त जो स्मृति को अपनी मां मानता है, मेरी एक एक पंक्ति पर मेरे साथ रहेगा। मैं 5 मिनट और आपके बीच हूं। भारत माता क्या है सुनो। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है। भारत माता प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है। भारत माता, भारत माता स्वाभिमान है भरत भूमि की माटी का। भारत माता अमर गान है वीरों की परिपाटी का। भारत माता जंगे आजादी की अमर कहानी है। भारत माता बलिदानी आंखों का निर्मल पानी है। भारत माता शेखर की पिस्तल से निकली गोली है। ये अशफाक कलाम और अब्दुल हमीद की बोली है। शहीद की पाती है। भारत माता सरहद से आई शहीद की पाती है। भारत माता हर सैनिक के नयन दीप की पाती है। और भारत माता पूजन है, भारत माता पूजन है। अर्चन है सबकी भाषा है। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। याद रखें, भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। हम सब इसके बेटे हैं, ये सबकी जीवनदाता है।
किसी धर्म की नहीं बल्कि ये सवा अरब की माता है। आपकी कमजोर तालियां इस संकल्प को कमजोर बनाएंगे। मैं पंक्ति में ताली बजवा लूंगा, आप जवाब सुने। किसी धर्म की नहीं बल्कि ये सवा अरब की माता है। लेकिन कुछ कपूत माइक पर आकर दुखड़ा कहते हैं, भारत माता को केवल धरती का टुकड़ा कहते हैं, इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते, इतने जिद्दी है भारत माता की जय बोल नहीं सकते, प्यार वतन से करते हैं दावा करते चिल्लाते हैं, प्यार वतन से है इनको दावा करते चिल्लाते हैं, लेकिन भारत को ये माता कहने में शर्माते हैं, लेकिन ये भारत माता को माता कहने में शर्माते हैं। अब जवाब एक सच्चे हिंदुस्तानी का, सच्चे हिंदुस्तानियों के द्वारा उस देशद्रोही का, पूरे अरमान नहीं होने देंगे, भारत माता का हरगिज अपमान नहीं होने देंगे, और जिस दिन भारत माँ के बेटों का संयम टूटा, अरे तू क्या तेरा अब्बा भी भारत माँ तुझे बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। इससे पहले कि आप मुझे सांप्रदायिक करार दें, अंतिम कविता में सुनाना चाहता हूं। मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य हूं, मेरे कार्यालय में किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं, एक तरफ शहीद भगत सिंह, एक तरफ स्वामी विवेकानंद, और बीच में भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे आदर्श हैं। मित्रों, 2 साल से पूरे देश में असहिष्णुता है, मैं तो बोल भी नहीं पाता। देखिए बीच में मत बोलिए, बीच अभी मध्य प्रदेश में बरसात हुई, सोनिया गांधी बीच में बोल रही, मोदी जी से बोले किसानों की फसल खराब हो गई मुआवजा दो, मोदी ने मुआवजा दिया, किसानों तक पहुंचा, और किसानों ने 100-100 रुपए का चंदा किया, और सोनिया जी के पास पहुंच गए, बोले मुआवजा आप ही ले लो। सोनिया बोली क्यों, ये फसल तो आपकी भी खराब है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे बीज होते हैं इस देश में वटवृक्ष बनते हैं और मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। ऐसे थे अब्दुल कलाम। मेरी अंतिम कविता अगर कलाम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हो तो इस छोटे से कलमकार को, जो शायद कुमार विश्वास जी के चरणों की धूल भी नहीं है, मुझे आशीर्वाद देना। कलाम साहब, कुमार साहब, इस कविता पर हरिओम पवार जी ने मुझे गले से लगा लिया था, प्रताप फौजदार जी ने मेरी चुन्नी ले ली थी, आप क्या करेंगे डिसाइड कर लेंगे। मित्रों, थोड़ा गंभीर होइए, जिनके दिल में कलाम साहब रहते हैं, जो कलाम साहब को मोहब्बत करते हैं, हर हिंदू हर मुसलमान, ये श्रद्धांजलि सुने। मैं कलाम साहब को याद करना चाहता हूँ शादीबाद में खड़े होकर, और मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी इस कविता को अपने मोहल्ले में ले जाना और अपने बच्चों को सुनाना। आज समय का पहिया घूमा पीछे सब कुछ छूट गया, आज समय का पहिया घूमा पीछे सब कुछ छूट गया, एक सितारा भारत माता की आंखों का टूट गया, उसकी आंखें बंद हुई तो पलकें कई निचोड़ गया, उसकी आंखें बंद हुई तो पलकें कई निचोड़ गया, सदियों तक ना भर पाएगा वो खाली पर छोड़ गया, अरे ना मजहब का पिछला तू था, ना मजहब का पिछला तू था, ना गफलत में लेटा था वो अब्दुल कलाम, तो केवल भारत माँ का बेटा था। भारत माँ का बेटा था, बचपन से ही खुली आंख से सपने देखा करता था, नाविक का बेटा हाथों में 7 समंदर भरता था, था बंदा इस्लाम का लेकिन कभी ना ऐठा करता था, था बंदा इस्लाम का लेकिन कभी ना ऐठा करता था, जब जी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था, जब जी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था, नहीं शरीयत में उलझा, नहीं शरीयत में उलझा, वो अपनी कीमत भांप गया, कलम उठाकर अग्नि पंख से अंतरिक्ष को नाप गया, अरे दाढ़ी टोपी के लफड़ों में नहीं पड़ा अलमस्त रहा, वो तो केवल मिसाइलों के निर्माणों में व्यस्त रहा, दाढ़ी टोपी के लफड़ों में नहीं पड़ा अलमस्त रहा, वो तो केवल मिसाइलों के निर्माणों में व्यस्त रहा। और हाथ खुले आपके, सबसे बड़ी सहिष्णुता इस देश की मैं दिखाना चाहता हूं, और जो इस
कुरान रखा, एक हाथ में पीता उसने, एक हाथ कुरान रखा, लेकिन इन दोनों से पहले ऊपर हिंदुस्तान रखा, लेकिन इन दोनों से पहले ऊपर हिंदुस्तान रखा। इस पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मुसलमान किसी पर गुजारे तो बोलिए कलाम साहब, मैं बताता हूं कैसे। मर्द मुजाहिद था असली, कलाम साहब, मर्द मुजाहिद था असली, हर बंधन उसने तोड़ा था और अमेरिका को ठेका देकर एटम बम को फोड़ा। ये होती है, तीन अंतिम बल देता हूं, अमेरिका को ठेका देकर एटम बम को फोड़ा था। तुलना कर रहा हूं कलाम साहब की एक बहुत बड़ी शख्सियत से तुलना कर रहा हूं, वो तुलना आपको पसंद आ जाए तो तानी होगा। आकर्षक व्यक्तित्व सरल थे, बच्चों के दीवाने थे, आकर्षक व्यक्तित्व सरल थे, बच्चों के दीवाने थे। अरे इस चाचा के आगे चाचा नेहरू बहुत पुराने थे, इस चाचा के आगे चाचा नेहरू बहुत पुराने थे। कुमार जी चरणों में ये पंक्ति है, अगर मैंने कुछ लिख दिया, इस चाचा के आगे चाचा नेहरू बहुत पुराने थे, माथे पर लटकी जुल्फों ने पावन अर्थ निकाल दिया, माथे पर लटकी जुल्फों ने पावन अर्थ निकाल दिया। यूं लगता था भारत मां ने आंचल सर पर डाल दिया, यूं लगता था भारत मां ने आंचल सर पर डाल दिया। गौरव को है फख्र, गौरव को ये गौरव चौहान को फख्र है, अब्दुल कलाम साहब जीने में जीना तो बस जीना है, मैं भूल गया, जीना तो बस जीना है, अब्दुल कलाम साहब जी ने अंतिम पंक्तियां माना। अब भी इस भारत में कायम गजनी बाबर है, माना अब भी इस भारत में कायम गजनी बाबर है, लेकिन ऐसे मोमिन पर सौ सौ हिंदू न्योछावर है, लेकिन ऐसे मोमिन।